हेलो, मैं हूं आपका अपना देवेंद्र सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। आज जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते बनाया था एक वीडियो जो प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर बनाया था, उसी के आगे मैं आज जो इस वीक का आपको प्रोसेसिंग टाइम दिखाऊंगा कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा का, या जिसको हम विजिटर वीज़ा भी कहते हैं, 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी कहते हैं और TRV भी कहते हैं। तो उसका आज मैं आपको प्रोसेसिंग टाइम दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि कितना चेंज हुआ है पिछले हफ्ते के मुकाबले में। तो इसमें विजिटर वीजा और वर्क परमिट का दोनों का प्रोसेसिंग टाइम मैं दिखाऊंगा आपको। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे गूगल का सर्च पेज मैंने खोल लिया है। तो इसमें मैं अभी लिखता हूँ कैनेडा। जैसे मैंने अभी लिखा है कैनेडा वीजा प्रोसेसिंग टाइम, मैं अभी इसमें लिख दिया है, मैंने एंटर कर दिया इसको। तो ये जो पहले वाला लिंक आ जाता है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं पहला लिंक जो आया उस पे गूगल के पेज के बाद उस पे क्लिक करता हूँ, तो ये वाला गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की जो वेबसाइट है canada.ca का, ये वाला पेज ओपन हो जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है चेक प्रोसेसिंग टाइम। तो इसमें हमने सिलेक्ट करनी है एप्लीकेशन टाइप, हमने कौन सी अप्लाई की है। तो उसमें हमने अप्लाई किया जैसे टेम्प्रेरी रेजिडेंस, विजिटिंग, स्टडिंग एंड वर्किंग। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जब हम ये सिलेक्ट करते हैं तो दूसरा बॉक्स ये नीचे ओपन हो जाता है। इस पे हमने सेलेक्ट करना है कि किस तरह का टेम्प्रेरी रेजिडेंस एप्लीकेशन हमने लगाई है। हमने जैसे विजिटर वीजा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा के लिए अप्लाई किया है, तो वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। वो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ये थर्ड बॉक्स खुलता है। उसमें वो जो है ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वेयर आर यू अप्लाइंग फ्रॉम। जैसे हम इंडिया में हैं तो इंडिया से हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद गेट प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये जो सामने डिस्प्ले हो जाता है कि कितना विजिटर वीजा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा फ्रॉम इंडिया जो है 45 डेज का आज प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है। जैसे आज तारीख है 23 दिसंबर 2021, 23 दिसंबर 2021। सो आज जो प्रोसेसिंग टाइम है विजिटर वीजा का इंडिया से 45 डेज है। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक जो प्रोसेसिंग टाइम था वो 46 डेज था, तो एक दिन कम हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो प्री कोविड लेवल है उसी लेवल पे आ गया है प्रोसेसिंग टाइम। तो आप 45 डेज का प्रोसेसिंग टाइम देख के उसके हिसाब से अपनी आइटनरी बना सकते हैं, अपनी लीव लेटर और NOC ले सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से, और अपनी फाइल आप सबमिट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो कनाडा गवर्नमेंट है वो पूरी स्पीड से सारी फाइल्स प्रोसेस कर रहे हैं, और मतलब बिल्कुल प्री कोविड लेवल पे उन्होंने प्रोसेसिंग टाइम ला दिया इतनी जल्दी। और आप इसलिए निश्चिंत होकर अपनी फाइल्स हैं जो आप सबमिट कर सकते हैं और अपना वीजा ले सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं इस प्रोसेसिंग टाइम से कि जो ओमिक्रॉन वायरस का जो असर है वो इसके ऊपर नहीं पड़ रहा। कोई भी जो कनाडा की टूरिस्ट वीजा या कुछ और भी वीजे हैं जिसके ऊपर कोई भी इस चीज का इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो अब हम चेक करते हैं कि वर्क परमिट के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो हम अभी इसमें तो जैसे पहले सिलेक्ट किया है टेम्प्रेरी रेजिडेंस, विजिटिंग, स्टडिंग एंड वर्किंग, ये तो वही हमने सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो दूसरे बॉक्स में हमने वर्क परमिट फ्रॉम आउटसाइड कनाडा सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद जो नीचे वाले बॉक्स में भी फिर दोबारा हम इंडिया सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हम इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इंडिया सेलेक्ट करते हैं उसके बाद ये जो गेट प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद ये डिस्प्ले आ जाता है कि वर्क परमिट फ्रॉम आउटसाइड कनाडा, इंडिया से हम जैसे अप्लाई करते हैं अगर हम वर्क परमिट के लिए, तो 35 वीक्स का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि लास्ट वीक जो प्रोसेसिंग टाइम था वो 37 वीक्स था। तो आप देख सकते हैं कि ये भी कम हो गया है, जो वर्क परमिट का प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 वीक कम हो गया। और ये बहुत अच्छा संकेत है कि जो एम्बेसी है वो पूरी एफिशिएंसी से काम कर रही है और जो फाइल्स है अच्छे से प्रोसेस करके जल्दी रिस्पॉन्स दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह मतलब ये जो है प्री कोविड लेवल पे सारा जो प्रोसेसिंग टाइम आ गया। और आप ये एक संकेत है कि आप अगर अपनी फाइल को लगाते हैं तो बहुत जल्दी आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। और ये भी संकेत है कि जो एफिशिएंसी से पूरी जो कैनेडियन एम्बेसी है काम कर रही है और आपके जो वीजा है वो जल्दी से जल्दी लगा के आपको वापस पासपोर्ट भेज रही है। तो इसलिए ये जो मैंने आपको ये प्रोसेसिंग टाइम दिखाया, ये इसलिए दिखाया कि आपको हमेशा इस चीज़ की नॉलेज रहे कि जब भी आप कोई भी वीजा अप्लाई करते हैं तो उसका आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने देर में मेरा जो रिप्लाई है एम्बेसी से मिल जाएगा। तो ये आप अपने आप भी चेक कर सकते हैं। मैंने ये जो वीडियो है सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई है।
तो आप ये इस प्रोसेसिंग टाइम के अकॉर्डिंगली अपना जो वीजा है प्लान कर सकते हैं, अपनी आइटनरी प्लान कर सकते हैं, अपनी लीव लेटर ले सकते हैं और एनओसी ले सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से। आप उस हिसाब से आप सारा कुछ अपना जो प्रोफाइल है मैनेज करके उस हिसाब से आप अपनी प्रोफाइल बना के अपनी जो है फाइल सबमिट कर दीजिए। क्योंकि अब वो पिछले साल वाला जैसे इस साल के शुरू शुरू में था कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, 200 डेज के भी ऊपर क्रॉस कर रहा था टाइम, वो वाला टाइम नहीं रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको इस चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है मिल जाए और उनको इस चीज़ का फायदा हो जाए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे आपको वो डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफर से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफर के द्वारा भेज सकते हैं, और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा की टूरिस्ट वीजा की फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीजा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।